सदा सिन्नो सदा सिद्धानीं ना सिद्र जोनो व्योमा परोयत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था राजाओं और राजकुमारों की निंदा का मुझे कुछ ज्यादा ही शौक है। वैसे मैं उनकी तारीफ या आदर की गुंजाइश भी कम देखता हूं, पर अब हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं जो राजा होते हुए भी महान और काबिले तारीफ था, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक महान। उनके बारे में H.G. वेल्स कहते हैं, जहां एक ओर इतिहास के हाशियों में दसियों हजार राजाओं का जिक्र मिलता है, वहां एक नाम उन सबसे अलग किसी सितारे सा चमकता हुआ नजर आता है, और वो है सम्राट अशोक का नाम। रूस से जापान तक आज भी उसका नाम इज्जत से लिया जाता है, तिब्बत, चीन और यहां तक कि हिंदुस्तान में भी। हालांकि उसके सिद्धांतों को छोड़ दिया गया है, अशोक की महानता की परंपरा को सहेज कर रखा हुआ है। शुभ समाचार है महाराज, तक्षशिला में विद्रोह कुचल दिया गया है। अब तो सब ठीक है। सब ठीक है, स्थिति युवराज सुशीमा के नियंत्रण में है। तुरंत उसे बधाई संदेश भेजो। जी महाराज। विक्रम भट्ट, राजकुमार अशोक का कोई समाचार नहीं? मैं कहने ही जा रहा था, राजकुमार अशोक की सहायता से ही शांति स्थापित हो पाई। महाराज, वर्षों से विद्रोही बीच बीच में अपना सिर उठा रहे हैं, युवराज सुषमा कुछ नहीं कर पाए, यही सोचकर तो आपने राजकुमार अशोक को भेजा। तुम कहना क्या चाहते हो? यही, बधाई संदेश राजकुमार अशोक को भेजना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? सुषमा तक्षशील का क्षत्रपाल है, शासक है, बधाई संदेश उसे ही भेजो। जी महाराज। राधागुप्त, राज संचालन में तो युवराज सुषमा निपुण है, किंतु इतने बड़े विद्रोह को दबाना आसान तो है नहीं। अनुभव के साथ धीरे धीरे वह भी आ जाएगा,
महाराज की छत्र छाया में सब सीख जाएंगे। अभी युवराज सुषिमा की आयु ही क्या है, राजकुमार अशोक की तो उससे भी कम है, फिर भी छोटा होकर बहुत बड़ा काम कर दिखाया। कोई कुछ नहीं करता राधागुप्त, सब नियति के नियंत्रण में है, जो होना है वही होता है, मनुष्य तो मात्र होनी का माध्यम है। युवराज सुषिमा की अपेक्षा यदि राजकुमार अशोक श्रेष्ठ है तो है, वाद विवाद से इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। वही तो महाराज, राज्य में व्यापार को पहले से ही ठेस लग चुकी है, साम्राज्य का व्यापार केंद्र है तक्षशील, वहां शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। राजकुमार अशोक के वहां न होने से विद्रोह फिर से भड़क सकता है, मेरे विचार से राजकुमार अशोक को तक्षशील में ही रहना चाहिए। दोनों को एक साथ तक्षशील में कैसे रखा जा सकता है, और फिर सुषिमा को वापस बुलाने का अर्थ होगा हमारी सामर्थ्य का अपमान, समझे आप लोग। इस विषय पर निर्णय ले लिया है मैंने, राजकुमार अशोक को उज्जैन का क्षत्रपाल नियुक्त किया जाता है। परंतु महाराज, यही ठीक है। समाचार सुनकर आपको तो जैसे सांप सूख गया, आश्चर्य है जी आपको ये सूचना विक्रम भट्ट से मिली। इसी असमंजस में मैं भी हूं, मेरा गुप्तचर अभी तक तक्षशील से नहीं लौटा है और विक्रम भट्ट के पास समाचार भी पहुंच गया, निश्चय ही उसने राजकुमार अशोक के सामने कोई गुप्तचर छोड़ा है। आपका अनुमान सही है, क्योंकि जब से राजकुमार अशोक वहां गए हैं उनकी गतिविधियों की सूचना महाराज को मिलती रही है, और वो भी विक्रम भट्ट द्वारा। आपको पता था तो बताया क्यों नहीं? पहले संदेह भर था, अब विश्वास है। किसी भी प्रकार राजकुमार अशोक को सावधान करना चाहिए कि राजगद्दी हथियाने का संघर्ष शुरू हो चुका है। संघर्ष नहीं राधागुप्त, षड्यंत्र का होगा। अशोक को क्या पड़ी है कि वो इसमें पड़े? सीमा भाई हम सब में बड़े हैं, इसलिए वही राज संभाले पिताजी के बाद, उचित भी यही है, संघर्ष का प्रश्न ही नहीं होता। तिस्सा, तुम अभी नादान हो, इतना बड़ा साम्राज्य चलाना सुषमा के बस का रोग नहीं। राजकुमार अशोक तक्षशील समय पर नहीं पहुंचते तो सुषमा कब के मौत के घाट उतर चुके होते। रही उनके बड़े होने की बात, तो अर्थशास्त्र के अनुसार बड़ा हो या छोटा, राज्य का उत्तराधिकारी यदि प्रजा और राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे राज्य सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा लगता है आप सुषमा से घृणा करते हैं। हाँ करता हूं, उसे साधारण व्यवहार ज्ञान तक नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? व्यक्तिगत अनुभव से। एक बार किसी बात पर वाद विवाद चल रहा था, मैंने सुषमा के प्रस्ताव का विरोध किया तो उसने भरी सभा में मेरे सिर पर चपत मार दी। क्या? हाँ, सबके सामने। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान कर सकता है वो राजा बनकर क्या अनर्थ नहीं करेगा? अरे किसी भी व्यक्ति को फांसी पर लटका देगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजकुमार अशोक ही राज सिंहासन की गरिमा बनाए रख सकते हैं। किंतु महाराज और विक्रम भट्ट सुषिमा के पक्ष में। हाँ, वो देख लेंगे। सबसे पहले राजकुमार अशोक को सावधान करना चाहिए, गुप्तचर को ढूंढकर विक्रम भट्ट का चक्रव्यूह तोड़ना चाहिए।
नगर निवासियों सावधान, शूरवीर प्रतापी धर्मवीर महाराजा धीराज के पुत्र उज्जैन नगरी के क्षेत्रपाल राजकुमार अशोक पधार रहे हैं। राजकुमार आयुष्मान, सेवक का नाम महेंद्र भट्ट है, उज्जैन का नगर पुरोहित। नगरवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तक्षशील में पुनः शांति स्थापित करने की बधाई भी स्वीकार कीजिए। हमें विश्वास है कि आपके कुशल प्रशासन में उज्जैन नगरी सुख और समृद्धि के पथ पर और भी आगे बढ़ेगी। हमारी भी यही इच्छा है कि सभी सुखी रहें। हम पूरा प्रयत्न करेंगे। इस समय किसी को कुछ कहना है तो निसंकोच कह सकता है, यदि आज्ञा हो तो। हाँ कहिए। मेरा नाम सुखविहार है, व्यापार श्रेणी का श्रेष्ठी हूं और साथ ही बौद्ध संघ का सदस्य भी हूं। हमारी इच्छा थी कि भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने हेतु पासी के गांव में एक विहार की स्थापना की जाए। अवश्य कीजिए। किंतु जिस भूखंड पर हम ये विहार बनाना चाहते हैं वो शासन का है, यदि राजकुमार की आज्ञा मिल जाए तो। हाँ हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्षमा करें महाराज, मुझे आपत्ति है। स्पष्ट कीजिए। आपके दादाश्री सम्राट चंद्रगुप्त ने यह भूखंड हम ब्राह्मणों को दान में दिया था, इस पर बौद्धों का अधिकार तो हो ही नहीं सकता, और विशेषकर असामाजिक कार्यों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। असामाजिक कार्य? महाराज आप नहीं जानते इन बौद्धों की करतूतें। गांव गांव जाकर ये लोग नास्तिकता का प्रचार करते हैं, ये लोगों को अधर्म की ओर घसीटते हैं, समानता की बातें करते हैं, ऊंच नीच छोटे बड़े किसी का भी ध्यान नहीं रहा इन लोगों को। हमारी आपसे प्रार्थना है कि इन अधर्मी भिखारियों को पकड़कर कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और धर्म की रक्षा की जाए। मैंने आपत्ति का कारण पूछा था, उपदेश देने के लिए नहीं कहा। ठीक है, यदि वो भूखंड ब्राह्मणों को दिया जा चुका है तो विहार कहीं और बन जाएगा। चंद्रसेन, इनके विहार के लिए भूमि का प्रबंध किसी और स्थान पर कर दिया जाए। आप सहमत हैं? जी यही बिल्कुल उचित होगा। हम आपके आभारी हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि भूमि पूजन के समय उपस्थित रहकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। हम विचार करेंगे। संघ आजीवन राजकुमार का आभारी रहेगा। कितने सौभाग्य की बात है कि जितना उदार पिता है उतना ही उदार पुत्र भी है, और दोनों हमारे अपने हैं, एक हमारा राजा और एक हमारे क्षेत्रपाल। भिक्षुओं को भिक्षा देने पर क्या बात है सुखविहार? ऐसे ही कुछ विशेष नहीं। हमारे आपके लिए ना सही, इनके लिए तो विशेष होगा। ये स्त्री कौन है, क्या चाहती है? ये मेरी बेटी है युवराज, और जानना चाहती है कि भिक्षुओं को धर्मोपदेश देने और भिक्षा मांगने पर रोक क्यों? कौन रोकता है? भूतपूर्व क्षेत्रपाल का बनाया हुआ नियम। अच्छा, और उसका पालन तो हम कर ही रहे हैं। बताए ना, कुछ विशेष नहीं। देखिए, ऐसा है कि इस नियम के पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। मैं देखता हूं कि यह नियम राज्य या प्रजा के हित में है या नहीं। यदि नहीं है तो हमारे लिए यही बहुत होगा राजकुमार। कुमार यहाँ की सैर नहीं करना चाहेंगे? लगता है हमारे सौभाग्य से ही ब्राह्मणों ने आपत्ति की थी। पिछले स्थान की अपेक्षा यहाँ कहीं अधिक शांति है। सुखविहार, धर्मोपदेश देने और भिक्षा मांगने पर जो रोक है, हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और भी कई नीतियां हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। यदि आप कहें तो व्यापारियों के दुख के बारे में भी बता दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
सच तो यह है कुमार कि माल की बिक्री के पहले ही व्यापारियों को अनेक कर चुकाने पड़ते हैं। तो कर नीति के बारे में भी बात कर लें। व्यापार के बिगड़ने से केवल उनकी ही नहीं राज्य की भी हानि होती है। सुख विहार जी कैसे हैं? जी कृपा है आपकी। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई उनसे। मैं भेज देती हूँ। नहीं, मैं बुलवा लूंगा। विहार का काम कैसा चल रहा है? वैसे तो ठीक ही चल रहा है। आप स्वयं देखने को पधारें तो हमारा सौभाग्य होगा। आप स्वयं हमारा स्वागत करें तो हमारा सौभाग्य होगा जी। ये मारना नहीं, जीवित ही पकड़ो। इस विषय में मुझे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। डर गई? ये तो होता ही रहता है। मैं विहार देखने आऊंगा और मैं आपका स्वागत करूंगी। बौद्ध संघ से तुम्हारा लगाव कैसे हुआ? पिताजी के कारण। वही नहीं, व्यापार श्रेणी के और भी कई सदस्य बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। कोई विशेष कारण? एक तो यही कि हम लोगों में आत्मसम्मान पनपता है, मान मर्यादा मिलती है। कैसे? जैसे ब्राह्मण हमें कुछ नहीं समझते तो हम भी उनके सामने सिर झुकाने को बाध्य नहीं। पिताजी कहते हैं कि ब्राह्मण ये बात नहीं समझते कि किसी भी राज्य की समृद्धि में व्यापारियों का कितना महत्व है। तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं। अच्छा, तुम जानती हो भगवान बुद्ध किस गण के थे? लिच्छवी गण के। मेरी पत्नी भी इसी गण से है। वो भी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित है, कभी कभी बातें भी करती है, अच्छा लगता है। किंतु मुझे इसके बारे में कभी गंभीरता से विचार करने का अवसर नहीं मिला। पाटलिपुत्र में वैसे भी समय। सुनो, तुम्हारे मन में कभी पाटलिपुत्र में रहने का विचार नहीं आया? अचानक आपके मन में ये बात कैसे आई? नहीं, ऐसे ही, क्योंकि मुझे तो एक ना एक दिन पाटलिपुत्र वापस जाना ही है। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ वहां चलो। चलोगी? मैं क्या कह सकती हूं, हां या ना? पिताजी से आज्ञा लेनी होगी। क्षमा करें राजकुमार, किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कहो। राजकुमार, ये आदमी गुप्तचर है, तीक्ष्णा नाम है, जाना माना हत्यारा। किसने भेजा इसे? पाटलिपुत्र से, युवराज सुषिमा के सहयोगियों ने। यहां उनका गुप्तचर कौन है? जी कोई बात नहीं, कहो। जी चंद्रसेन, चंद्रसेन के कहने पर ही। ठीक है, सेना नायक से कहो चंद्रसेन को तुरंत बंदी बना लिया जाए और सूर्योदय के पहले उसे सूली पर लटका दिया जाए। जो आज्ञा। हत्या करना आवश्यक है क्या? देश निकाला भी दिया जा सकता है। राजद्रोही के लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु। महाराज, श्रेष्ठ सुखविहार जी आ पहुंचे हैं। राजकुमार अशोक की जय। आइए सुखविहार जी, अब तो आप संतुष्ट हैं ना हमारी कर नीति से? हाँ राजकुमार, किंतु कुछ बातें वो भी सुलझ जाएंगी।
ऐसे कार्यों में थोड़ा समय तो लगता ही है। मैं समझता हूँ। वैसे उज्जैन के व्यापारी आपसे बहुत प्रसन्न है। किस सोच में डूब गया राजकुमार? भविष्य का क्या होगा, हमारा साम्राज्य का? शुभ ही होगा। आप जो हैं वो तो है, किंतु आप तो जानते ही हैं कि महाराज बूढ़े तो हैं ही, रोगों से भी घिरे हुए हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। उनके बाद हम में से ही किसी एक को शासन संभालना होगा। इसका निर्णय भी शीघ्र ही हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं। कुछ भी हो, आपका विश्वास पात्र बनने का सम्मान मुझे मिल रहा है। यदि किसी लायक, मैं यही कह रहा हूं, राज सिंहासन के लिए भारी संघर्ष होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा अपना एक सैन्य बल हो। यदि व्यापार श्रेणी का सहयोग मुझे मिल जाए तो इतनी सी बात? व्यापार श्रेणी को तो आभार व्यक्त करने का अवसर मिल जाएगा। आप तैयारी करें, एक एक सदस्य आपके साथ है। मुझे आपसे यही आशा थी सुखविहार जी। एक बात और बन जाए तो मन का बोझ उतर जाए। आज्ञा कीजिए। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। देवी से विवाह? हाँ, कोई आपत्ति हो तो? अरे आपत्ति कैसे, ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही राजकुमार महाराज कहलाएंगे। किंतु? किंतु क्या? देवी को तो महारानी का पद नहीं ही मिल पाएगा। बहुत आगे की सोच ली आपने। आप तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे मैं महाराज बन ही गया हूं। वो बाद में, अभी आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर रहे हैं। बोलिए क्या कहते हैं? आप जैसा जामाता मिले, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। तो देरी किस बात की? विक्रम भट्ट, सुषमा अभी तक नहीं आया। महाराज, तक्षशील में फिर से विद्रोह भड़क उठा है, इसीलिए नहीं आ पाए। कुछ भी करो, उसे यहां बुलाओ। एक ही उपाय है, यदि राजकुमार अशोक को तक्षशील भेज दिया जाए तो युवराज सुषमा यहां आ सकते हैं। ऐसी संकट की घड़ी में उन्हें आपके पास ही होना चाहिए। महाराज, मेरे विचार से युवराज सुषमा वहीं रहकर विद्रोहियों का दमन करे, इस बार उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तो अनुभवी हो गए हैं। अशोक एक बार विद्रोह कुचल चुका है तो दोबारा भी कर सकता है। अशोक को आदेश भेज दो कि वो तक्षशील चला जाए और तुरंत सुषमा को यहां भेज दे। आप उचित समझे तो मैं संदेश लेकर उज्जैन चला जाऊं, भाई अशोक से भेंट भी हो जाएगी। जाओ, तुम ही जाओ, लेकिन देर न करो। तिस्सा, अच्छा क्या जो तुमने उज्जैन जाने की बात की। अब हम कम से कम राजकुमार अशोक को सावधान तो कर सकते हैं। ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। मैंने तो सोचा था कि उज्जैन जाकर मौज मस्ती करूंगा। ध्यान से सुनो तिस्सा, राजकुमार से कहना कि किसी भी स्थिति में तक्षशील न जाएं। राज ही हटा देने की तैयारी की है शत्रुओं ने। उनके सौतेले भाई भी सैनिकों की भर्ती में लगे हैं। जाओ, समय नष्ट न कर। कहना अधिक से अधिक सेना जुटाकर तुरंत पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान करें। सुषमा से पहले यहां पहुंच जाए तो राज सिंहासन उनकी मुट्ठी में होगा। और तुम? मैं यहां विक्रम भट्ट का साथ देने वाले मंत्रियों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करूंगा। जाओ, अब देर न करो। रास्ते में रुकना नहीं और अश्रु बदलते रहना।
महाराज बीमार हैं तो उनकी सेवा में आपको जाना ही चाहिए। किंतु सिंहासन के लड़ाई झगड़े में हाँफना पड़ेगा। क्यों? अरे व्यर्थ में प्राणों को संकट में डालने से क्या लाभ। हाँ ठीक तो कह रहा है। यहाँ आपको क्या कमी है? क्षेत्रपाल का पद, घर परिवार, सुख सुविधाएं, इन्हें दावों पर लगाने से क्या मिलेगा? तुम हो मूर्ख। मैं संघर्ष में ना भी पड़ूं तो क्या वो मुझे जीवित छोड़ देंगे? उनके जीवित रहने के लिए मेरा मरना आवश्यक हो जाएगा, और यही बात उन पर भी लागू होती है। तो इसका अर्थ है कि आप राजा बने तो आप भी अपने भाइयों को मार डालेंगे? बिल्कुल। जो भी सिंहासन को ललचाई आंखों से देखेगा उसे मरना ही होगा। ये ठीक नहीं लग रहा, आप इससे दूर ही रहिए। दूर रहूं? अयोग्य और विलासी व्यक्तियों के हाथों में साम्राज्य को चला जाने दूं? राज सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी मैं हूं। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने की योग्यता केवल मुझ में है। मैं अभी अपने सैन्य बल के साथ पाटलिपुत्र कूच करता हूं। ऐसा सेनानायक से कहो कल सूर्य की पहली किरणें चौकड़ी भरते हुए अश्वारोही ऊपर पड़ेंगी। संगमित्र। और देवी तुम यही बच्चों के साथ रहो। वहां सब ठीक होते ही मैं तुम्हें पाटलिपुत्र बुला लूंगा। मुझे पाटलिपुत्र नहीं जाना। नहीं जाना? क्यों? मैं यही रहना चाहूंगी उज्जैन में। किंतु पहले तो तुम। पहले की बात और थी। तो अब क्या है? मुझे भी नहीं बताओगी? आपके साथ पाटलिपुत्र मैं महारानी बनकर जाना चाहती हूँ, दूसरी या तीसरी रानी बनकर नहीं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें? क्योंकि महारानी के पद का सम्मान तो क्षत्रिय ब्याहता को ही मिलेगा। यदि मैं वचन दूं कि ऐसा नहीं होगा तो? तो भी नहीं। मैं आपको वचनबद्ध नहीं करना चाहती। सम्राट का कर्तव्य निभाने में संभव है आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। कारण कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक, सामाजिक या कुछ और। मैं आपको धन संकट की स्थिति में नहीं देखना चाहूंगी। ऐसे संदेह मन में लाती क्यों हो? संदेह की नहीं, संभावना की बात है। यहां रहकर मुझे संघ का बहुत सा काम करना है। पिताजी को भी मुझसे कुछ सहायता मिल जाएगी। ये कैसी विडंबना है? तुम्हारे पिता के सहयोग से ही मैं राज सिंहासन जीतने की बात सोच रहा हूं, और तुम? मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हूं। हम पाटलिपुत्र पहुंचने ही वाले हैं राजकुमार। सावधानी से आगे बढ़ते रहो, संभव है फिर किसी और खतरे का सामना करना पड़े। जो आगे। ये बैलगाड़ी कैसी है? देखो जी। जो आगे। कौन हो तुम? इस गाड़ी में कौन है? मेरे मालिक राजकुमार से मिलना चाहते हैं। क्यों, कौन है तुम्हारा मालिक? ये सिर्फ राजकुमार को ही बताया जा सकता है। ठीक है, पहले मुझे देखना होगा। महाराज आप? ठीक है। महाराज कहाँ है? ये रहे। राधा गुप्त। महाराज की जय हो। और कौन है? आपका अतिथि। कौन? आप स्वयं देख लीजिए महाराज। असंधि मित्रा, तुम? आपका संदेश न मिलने के कारण मैं चिंतित थी। महाराज, जब इन्हें पता चला कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ तो मानी ही नहीं, लाख समझाया, अंत में राजहट के सामने झुकना ही पड़ा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। महाराज, आपको भी इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए। चारों तरफ शत्रुओं के सैनिक घूम रहे हैं आपकी ताक में। पता है, कल हम पर आक्रमण हुआ था, मेरे कुछ सैनिक भी मारे गए। लंबी यात्रा के बाद सभी थके हुए हैं। ऐसी स्थिति में यही अच्छा कि दोबारा मुठभेड़ न हो। महाराज, आप भेष बदलकर हमारे साथ आइए,
सैनिकों को आदेश दीजिए कि दो दो चार चार की टुकड़ी में बंटकर नगर में फैल जाए। चारों तरफ सैनिक हैं, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। रात को विश्राम करें और सुबह सवेरे बड़े बाग में मिल जाए। ठीक है। तेसा कहाँ है महाराज? साथी है, उसे भी आप अपने साथ ले जाइए। राजकुमार अशोक आ गए, साथ में 5 सहस्त्र सैनिक भी हैं। महाराज की दशा कैसी? दशा क्या, दुर्दशा कहिए, अब गए कि तब गए। वहां उनके साथ और कौन है? विक्रम भट्ट और उनके सहयोगी। शत्रु जी, आपके यहां होने का अर्थ? जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप स्वयं ही राजकुमार से कहें। राजकुमार अशोक, मैं और मेरे मंत्री आपका साथ देंगे। कितने मंत्री होंगे? मुझे मिलाकर 101। शुभ है। और शेष मंत्रियों का? उनका प्रबंध भी कर दिया जाएगा। स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है, मेरे विचार से आप स्वयं को राज प्रतिनिधि घोषित कर दीजिए। सिंहासन के संघर्ष में आपका पलड़ा भारी रहेगा, बाद में जो होगा देख लेंगे। क्या विचार है? हाँ, यही ठीक रहेगा। इन्हें भूमि पर लिटा दी, गिनती की सांसें रह गई हैं। कोई अंतिम इच्छा हो तो? इसीलिए कह रहा हूं कि युवराज सुषमा के आने तक कुछ कीजिए। मैं हर संभव प्रयत्न कर चुका, अब ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो और बात, फिर भी कुछ तो कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इन्हें पल दो पल का जीवन और मिल जाए तो कृपया शांति रखिए। महाराज, आपके आदेश का पालन न करके राजकुमार अशोक यहां पहुंचे हैं। और सुषमा? वह भी आते होंगे। महाराज, स्थिति बहुत गंभीर है, चारों ओर सैनिक फैले हैं, किसी भी समय लड़ाई छिड़ सकती है। महाराज, राजकुमार अशोक राजधानी पहुंच ही गए हैं तो क्यों ना उन्हें राज प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाए। रक्तपात से बचा जा सकेगा, सभी अपने हैं। महाराज, मेरे विचार से यही ठीक होगा। युवराज सुषमा के आने तक आप? अरे नहीं, अशोक को एक बार राज प्रतिनिधि बना दिया तो वो कभी नहीं हटेगा। नहीं, सुषमा की प्रतीक्षा करो। महाराज, राजकुमार अशोक। महाराज प्रणाम। आपकी बीमारी का समाचार सुनते ही भागा चला आया, यहां स्थिति गंभीर पाई, नगर में चप्पे चप्पे पर सैनिक ही सैनिक, पता नहीं कब क्या हो जाए। यही सोचकर मैंने राधा गुप्त का सुझाव मान लिया और अपने आप को राज प्रतिनिधि घोषित कर लिया। राज सिंहासन के लिए षड्यंत्र कर रहे हो? सिंहासन पर तो सुषमा, तुमने
कोई नहीं। सुषमा, लेकिन कहां है वो? यहां तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जबकि मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं, राज सिंहासन के योग्य, आपका एकमात्र पुत्र। अरे कपटी, इसी क्षण आत्मसमर्पण कर, नहीं तो राजद्रोही। खदेड़ दो इसे नगर के बाहर, बंदी बना दो इसके। तमाम इतिहासकार मानते हैं कि अशोक युवराज नहीं था, और राज सिंहासन के लिए राजकुमारों में आपसी संघर्ष हुआ। तिब्बत और चीन में संरक्षित ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि मृत्यु से पहले बिंदुसार अपने पुत्र सुषिमा को राजा बनाना चाहता था, मगर उसके मंत्रियों ने अशोक का साथ दिया। उत्तराधिकार स्थापित करने में पूरे 4 साल लग गए, तब कहीं अशोक ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस किया, और 269 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। तुमने राज सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार जमा कर अच्छा नहीं किया अशोक। राजधानी में भाई का स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किसके आदेश से मेरे सैनिकों को नगर की सीमा पर रोका गया? आप शांत रहिए, ऐसी बातों के लिए ना ये समय है ना ये स्थान। स्थिति ही ऐसी थी कि स्थिति मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तुमने और राधा गुप्त ने जो षड्यंत्र रचा है राज सिंहासन हथियाने का, वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। इसमें तुम कभी सफल नहीं होगे। कल सुबह मैं अपनी सेना को लेकर आऊंगा राज सिंहासन हासिल करने युद्ध के मैदान में। आपका स्वागत है। नगर में प्रवेश करने से पहले ही इसकी हत्या कर दो। हो गया, ठीक है जाओ। तो राजाभिषेक की तैयारी की जाए भाई अशोक, अब तो आपके और आपके राज सिंहासन के बीच का कांटा भी निकल गया है। अभी तो कांटे ही कांटे हैं तिस्सा। उग्रसेन, पर्वतेश, हरिगुप्त, ज्ञानीगुप्त, जितने भाई उतने संकट। मुझे पता चला है कि ये लोग अपना सैन्य बल इकट्ठा करने के लिए नगर से बाहर चले गए। जब तक उनमें एक भी जीता रहेगा, हम चैन की सांस नहीं ले सकते। मेरे विचार से यही अच्छा रहेगा महाराज, पहले सब उत्तराधिकारियों को सूली पर चढ़ा दिया जाए, उसके बाद कुछ और। राज प्रतिनिधि के रूप में शासन तो आपके हाथ में है ही। मैं आपकी दूरदर्शिता की सराहना करता हूँ। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीव्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान।
जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर, जिसके बल पर तेजो मैं है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर, सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचेता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम अभी देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम अभी देकर।